महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। इस हमले को भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला कहा जाना गलत नहीं होगा। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलाबारी की थी, जिसमें 18 सुरक्षा कर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे। साथ ही कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आतंकियों ने सबसे पहले रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलाबारी की। आतंकियों ने AK-47 से 15 मिनट गोलाबारी कर 52 लोगों की जान ले ली, साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इसके बाद रात करीब 10:30 बजे वीले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से आतंकियों ने उड़ा दिया था। इसमें टैक्सी ड्राइवर समेत एक यात्री की मौत हो गई थी। वहीं इसके तुरंत 15 मिनट बाद बोरी बंदर से एक और टैक्सी को बम से उड़ा दिया, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं करीब 15 लोग घायल हो गए थे। आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में भी हमला बोला। वहीं सुरक्षा बलों ने 29 नवंबर की सुबह तक हमलावर 9 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं अजमल कसाब पुलिस गिरफ्त में था। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।